भारत विकास परिषद की ओर से देश भर की 1500 शाखाओं में एक साथ राष्ट्रीय बालिका सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। बेटियों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, वे बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना ताकि बेटियां बड़ी होकर शारीरिक, आर्थिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर व सक्षम बन सके, यही इस सप्ताह का उद्देश्य है। इसी क्रम में राजस्थान मध्य प्रांत की ओर से केंद्रीय आह्वान पर राष्ट्रीय बालिका सप्ताह को उड़ान के रूप में मनाया जाएगा। भाविप भवन शास्त्री नगर में हुई प्रेस वार्ता में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए भाविप मध्य प्रांत महिला प्रमुख गुणमाला अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के तहत बेटी है तो सृष्टि है कार्यक्रम का आगाज शनिवार को किया जाएगा। 17 जनवरी रविवार को सुबह 8:30 बजे सभी शाखाएं अपने अपने स्तर पर निर्धारित स्थानों पर हीमोग्लोबिन जाँच शिविर लगाकर 10 से 18 वर्ष तक की सभी बेटियों की निःशुल्क जाँच करेगी। 18 जनवरी सोमवार को बालिकाओं को कुपोषण पर व एनीमिया से दूर रखने के उपाय बताने के उद्देश्य से शाम 4 बजे गुड़, चना, कढ़ाई एवं स्टेशनरी वितरण किया जाएगा। 19 जनवरी मंगलवार को बालिका जागरूकता के लिए नाटिका का मंचन सभी शाखाएं अपने अपने निर्धारित स्थानों पर करेंगी। इसमें विशेष रूप से संस्कारित बेटियां महकता घर आंगन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया जाएगा। 20 जनवरी बुधवार को शाम 4 बजे जरूरतमंद बालिकाओं को स्वेटर, जर्सी व ऊनी वस्त्रों का वितरण किया जाएगा। 21 जनवरी शाम 4 बजे राष्ट्रीय बालिका सप्ताह का समापन होगा। संचार साधनों से उत्प्रोत आप सभी बंधु हमारी पूरी तक पड़ते हैं, चाहे प्रसारित करके करें, चाहे छोटी सी क्लिप भी दें, हमारा उदाहरण दें, प्रस्तुत वोकल में भी करें, हम अपना अपने गौरवान्वित मानते हैं। सभी को मेरा सादर वंदन। भारत विकास परिषद एक ऐसा कर्मठ संगठन है जिसके माध्यम से समाज के सम्मुख हम लोग एक संस्कार और सेवा के कार्य कैसे करें इसको प्रतिपादित करते हुए यह कार्यक्रम बेटी हैं तो सृष्टि हैं के माध्यम से हम लोग पूरा सप्ताह मनाएंगे और राजस्थान मध्य प्रांत इसे उड़ान के माध्यम से एक सप्ताह के रूप में मनाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि हमारी बेटियां स्वस्थ रहें, आत्मनिर्भर बने और अपने आप को इस तरह शक्तिशाली बना लें कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में पढ़ लिख कर आगे बढ़े। भ्रूण हत्या भी हो रही है, उसको लेकर भी आपने कहा था कि वो क्या जागरूकता चलेगी? भ्रूण हत्या के लिए हमने बहुत सारा कार्यक्रम पिछले विगत वर्षों में करे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस कार्यक्रम के लिए काफी हॉस्पिटल के माध्यम से हम लोगों ने पैम्पलेट भी लगाए थे और गाँव में हर शाखाओं ने एक कर एक गाँव को गोद ले रखा है। उन शाखाओं ने अपने अपने गांव में वहां जाकर उन बस्तियों के बीच में एक कार्यक्रम करवाए थे कि बेटी को बचाना है बेटी को पढ़ाना है और भ्रूण हत्या एक महापाप है इसे रोकना है। शुभ नाम और पद। मेरा नाम शुभ नाम है गुणमाला अग्रवाल। मैं सुभाष शाखा की मैन सदस्य और प्रांतीय पदाधिकारी महिला प्रमुख।